नमस्कार कुसुम टीवी खबर आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत अग्निकाण्ड रे दुई बखरा गृह भस्मीभूत सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर पक्षरु कंबल बंटन छयाली सिंह मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना दुई गुरुतर खोर्धा जिला दरीपड़ा जगन्नाथपुर ग्राम रे कंगारू कोर्ट मनीष हाथ भोग खाऊ जंगली भालु भद्रक विजु युव छात्र नेतृत्व सम्मेलन राज्य संगठन संपादक और जिला पर्यवेक्षक दे कर्मी को गुरुमंत्र संपूर्ण खबर को जी आगर आम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर आसतु जी संपूर्ण खबर भद्रक जिला बंत तहसिल अंतर्गत चाईपुर ग्राम से अग्निकाण्ड घटी दुई बखरा गृह भस्मीभूत हो गतकाली विलंबित रात्रि रे एही अग्निकाण्ड घटीथिला अग्निकाण्ड रे घरे थिबा समस्त आसबाबपत्र समेत गोटिए गाई और छ गोटी छेली जीवंत दग्ध होईछंती खबर पाए आगरपड़ार दमकल बाहिनी पहुंची निया को आयत करथिला एही अग्निकाण्ड रे 3 लाख ऊर्ध टंकार संपत्ति नष्ट होईथिबार जणा पडिछि थली रोसेई छाडी देकी टिके जाईछि छुआंग गति कि छुआ हाळ मारुतले सेहि त लागी जाईछि 10-5 मिनिट रो त लागीला सेटा बेडरूम चावल दान चावल पैसा थिला टंका पैसा जा दिला सब 7टा टाइम रो केते भला टंका गोरु छेली जो जति की थिले केते गोरु केते छेली छेली 6टा पड़ी जाई जें 12टा कुकुड़ा आ गोरु आघात होई जदी बंतरु जगन्नाथ पालन को रिपोर्ट कुसुम टीवी सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर खोर्धा पक्षर असहाय और गरीब लोक मानक कंबल बंटन कार्यक्रम में हाइकोर्टर रजिस्टर ललित कुमार दास अतिथि भाव जोगदे सोसाइटर सामाजिक कार्यक्रम उपर मत रखिथिले संगठन कोऑर्डिनेटर सफदर हाशिम सांबादिक लियाकत अली समाजसेवी लीना नंदिता प्रेडा प्रमुख जोगदे लोक मानक कंबल बंटन करते राज्य कोऑर्डिनेटर सफदर हाशिम यही ग्राम्य को पोष्य ग्राम्य भाव ग्रहण कर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन दिल्ली तार स्टेट कोऑर्डिनेटर अच्छी ओडिशा रे तीन टा गाँव को एडेप्ट करूँ गोटे है आपंकर पूरी डिस्ट्रिक्टर बाराहाल आप दानगेरी खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में यही गाँटा अंडारीपुर आज बर्षे आम नहीं इच्छा अच्छी ये गाँव को टोटाली मॉडल ब्रिज करूँ जो थे प्रथम आम शिक्षा प्रति आम देखू हेल्थ प्रति देखू एवं पा यह व्यतीत ये गाँव में गोटे आम कमिटी तैयारी करूँ परिजन लोकों ये गाँव जहाँ असुविधा अच्छी आम तो डिस्कस करी आम तो पूरण करी बोली आम इच्छा खोर्धारु संजय करंग रिपोर्ट कुसुम टीवी भद्रक जिला बंत थाना छयाली सिंह निकटस्थ जातीय राजपथरे दुर्घटना घटी आनंदपुर भद्रक आसुवा एक कार भारसाम्य हराई साइकल एवं मोटरसाइकल को धक्का देथिला आरोही द्वय गुरुतर हेबारु तांकु भद्रक डाक्तरखाना रे चिकित्सा करा जाउछि बंत पुलिस घटनास्थल गाड़ी को जबत करथिबा बेले ड्राइवर को थाना को आनिछि बंतरु जगन्नाथ पालट रिपोर्ट कुसुम टीवी खोर्धा जगन्नाथपुर ग्राम कल्पना बेहरा निजस्व जमीन में किसी खल प्रकृति लोक जोर जबरदस्त मंदिर करती कल्पना बेहरा विरोध करिवारु तांकु ग्रामवासी निया पानी बंद कर कल्पना बारंबार प्रशासन को अवगत कराइले कौन पदक्षेप ने सी अभोग कर शनिवार कल्पना और तरीवार जिलापा कार्यालय सम्मुखें धारण में बसी रही तेज जिलापा बदय जमीर मपचुप कर न्याय देवार प्रतिश्रुति देवापर धारणा प्रत्याहत होता खोर्धारु संजय करंग रिपोर्ट कुसुम टीवी मनीष हाथ नड़िया भोग खाऊ जंगली भालु शुणा को कथाटी अविश्वासी लगुले भी घटनाटी सत यहीपरी एक दृश्य देखा मिली नुआपड़ा जिला छोआरी डोंगरी पहाड़ में नुआपड़ा रेंज अधीनस्थ यही पहाड़ में रही बहु संख्यार भालु गुंफा भितर रही माँ छुआरी देवी आस्थान प्रत्येह सका और सन्ध्या समय माँ आलती पूजार्चना होता है उक्त समय पीठ पाखक एकाधिक भालु आसी भक्त मान हाथ नड़िया भोग खाई यह दृश्य एठाक आसुवा पर्यटक मानी मुख्य आकर्षण पलटि थाए माँ कृपार जंगली भालु आज पर्यंत कहार कौन क्षति घटाई स्थानीय लोके प्रकाश करपड़ निराकार मेहर रिपोर्ट कुसुम टीवी भद्रकर नेहरू स्टेडियम ठारे विजु युव और छात्र नेतृत्व सम्मेलन अनुष्ठित हो सम्मेलन में जिलार कोण और अनुकोण हजार हजार संख्यार युव और छात्र बीजेडी कर्मी माने सामिल होते कर्मी माने विभिन्न स्थानों शोभायात्रा रे आसी नेहरू स्टेडियम ठारे पहुंची बीजेडी राज्य सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास जिला पर्यवेक्षक तथा मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई धर्मशाला विधायक प्रणव बलवंत राय विजु छात्र सभापति देवीरंजन त्रिपाठी भद्रक सांसद मंजुलता मंडल विधायक संजीव मल्लिक
ବ୍ରହ୍ମକେଶ ରାୟ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା କର୍ମୀମାନେ କିପରି ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇ ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ସେ ନେଇ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରବର୍ଗଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେଠାରୁ ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ 100% ବିଜୟବାନା ଉଡ଼ାଇବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାର ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଦଳୀୟ ସମାବେଶକୁ ନେଇ କର୍ମୀ ଓ ନେତୃମଣ୍ଡଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମର ଯିଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରର ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଡ଼ବ କୁମାର ଦାସ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବେ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଭ୍ୟର୍ଥ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବେ। ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ, ପରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏହି ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବେ। ସମାବେଶ ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଯୁବ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଯୁବ ଛାତ୍ର କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଆଦର୍ଶ ମାନିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ମାନିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ତାଙ୍କ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ କର୍ମଶାଳାରେ ଆମେ ଆଜି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ବହୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଆଜି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମାବେଶ, ଏଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତୃତ୍ୱ ନବୀ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣବ ଦାସ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ରାଜ୍ୟର ଅଲଗା ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ, କ'ଣ ଆଦେଶ ଏବଂ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି କିପରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ବ୍ଲକ ଦଖଲ କରିବୁ, ଆଜି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କାମନା କରିବୁ। ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।